नमस्कार, मैं स्वाति लगाड़, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु तज्ञ। मैं आज आपको बताऊंगी घर में वास्तु पुरुष की स्थापना कहाँ पे करनी चाहिए और वहाँ पे करने से उसके क्या फायदे होते हैं, और अगर गलत जगह पे वास्तु पुरुष की स्थापना करते हैं तो हर दिशा में गलत जगह पे करने से क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं वो बताऊंगी। और अगर आपने वास्तु पुरुष की स्थापना गलत जगह पे की है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं ये वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि हम लोग वास्तु शांति करते हैं लेकिन पंडित जी गलत जगह पे अगर हमारे वास्तु पुरुष को स्थापित करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आने की वजह और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिस वजह से आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ये वास्तु पुरुष की प्रतिमा है, देखिए इस प्रकार वास्तु पुरुष की प्रतिमा होती है। और ये सूर्य यंत्र है, इसके साथ पंच रत्न भी होते हैं। देखिए ये किस प्रकार के होते हैं, इसके साथ इसको भी जमीन के अंदर रखा जाता है। मारिया होती है आदमी को आर्थिक, उसको इतना प्रॉब्लम्स होता है कि कितना भी वो कमा के लाएगा लेकिन उसका खर्चा बढ़ते जाता है और बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी खर्चे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने पैसे सही में कमाए इस महीने में तो वो गए कहाँ पे, उसका कुछ भी हिसाब लगता नहीं है सिर्फ गलत जगह पे वास्तु शांति करने से। और वास्तु शांति का खर्चा भी इतना होता है और उसके बाद हमारे लाइफ में बहुत सारे अगर अड़चने आने लगे तो आदमी सोच में जाता है कि अभी क्या करना चाहिए, और उसको बाद में पता चलता है कि वास्तु पुरुष ही हमने गलत जगह पे प्रस्थापित करने की वजह से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे, तो आदमी का दिमाग और ख़राब हो जाता है। तो हम अभी मैं बताऊंगी आपको कि वास्तु पुरुष कहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन अगर गलत जगह पे है तो आप बिल्कुल मत डरिए, इस पर भी हम इलाज है, उसका किस तरह से आप सुधार सकते हैं ये गलती ये मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन इसको फॉलो कीजिए आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दक्षिण दिशा में वास्तु पुरुष की स्थापना करने से बीमारियां और नकारात्मक वातावरण हो जाता है। नैऋत्य दिशा में वास्तु पुरुष की स्थापना करने से झगड़े और कोर्ट कचेरी पीछे लगती है। वास्तु पुरुष की स्थापना पश्चिम दिशा में करने से घर में धन की कमी होती है, अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है। वायव्य दिशा में वास्तु पुरुष की स्थापना करने से पति पत्नी में दूरी बनती है। वास्तु पुरुष की स्थापना उत्तर दिशा में रखने से धन का नाश होता है और कर्ज बढ़ता है। वास्तु पुरुष की स्थापना ईशान कोण में करने से भगवान की अवकृपा होती है, पॉजिटिव एनर्जी कम रहती है। वास्तु पुरुष की स्थापना पूर्व दिशा में करने से घर में बीमारियां, कटकट और शांति भंग होती है। वास्तु पुरुष की स्थापना ब्रह्मस्थान में करने की गलत दिशा है। आपके घर में आग्नेय कोण में मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहां पे आपके घर का वास्तु पुरुष जमीन के अंदर पलटी करके रखना चाहिए। और लेकिन वहां पे अगर आपका टॉयलेट बाथरूम आ रहा है या कुछ अलग बेडरूम आ रहा है तो वो सेंटर पकड़ के जोन निकालना चाहिए और बाथरूम टॉयलेट के अंदर नहीं रखना चाहिए वास्तु पुरुष को, बाहर की तरफ वो जोन में दिशा निकाल के आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो जोन है वो देख सकते हैं, और बाथरूम और टॉयलेट के बाहर की तरफ आप आपका वास्तु पुरुष को
कट करके जो अपनी जो फ्लोरिंग रहती है उसको कट करके उसके अंदर पलटी मार के रखना है आपको। तो वास्तु पुरुष हमेशा ऐसे रेस्ट किए होते हैं पलटी, क्योंकि उसको उनको सीधा नहीं रखा जाता। और जितना वो खुश रहेंगे ना उतना आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। इसलिए आपको वास्तु शांति की जब पूजा करेंगे तो अग्नि कोण में ही आपके वास्तु पुरुष होने चाहिए। अगर गलत दिशा में होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अड़चनें आती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो उस तरह से आप उसको एग्जैक्ट लोग इस पर डाल दीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर गलत जगह में वास्तु पुरुष रखा हुआ है तो आप बिल्कुल मत डरिए। आपको इसके लिए क्या करना है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर आपके गलत जोन में वास्तु पुरुष रखा है गलत दिशा में, तो आपको वहां पे कुछ भी करना नहीं है, वो जगह आपको छोड़ देना है। आपको नई वास्तु शांति पूजा डालनी है, करनी है मतलब, और उसमें जो वास्तु पुरुष की नई प्रतिमा आएगी वहां पे अग्नि कोण में रखना है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो पुराना वाला वास्तु पुरुष आपने जमीन के अंदर रखा हुआ है वो डेड हो जाएगा और नया वाला एक्टिव हो जाएगा। तो उसमें आप श्रद्धा से उसको प्यार से, कभी आपके घर में कोई फेस्टिवल रहेगा या आप आपके भगवान को कभी कोई भोग चढ़ा रहे तो उसके लिए भी उसके नाम से उस जगह पे थोड़ा सा नैवेद्य रख दीजिए या भोग चढ़ाइए, तो वो बहुत हैप्पी होगा, खुश रहेगा। और आप वो खुश रहेगा तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। इसीलिए आपको ये चीज़ें छोटी छोटी सी पॉइंट्स है उतना ही सिर्फ फॉलो कीजिए, और आपकी वास्तु शांति सिर्फ नए से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नया वाला वास्तु पुरुष एक्टिवेट करना है। और पुराने वाली जगह पे आपको कुछ भी नहीं करना है, उधर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। मोस्ट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो जाता है या बाथरूम आ जाता है, वो अग्नि तत्व का पार्ट है। वहां पे टॉयलेट बाथरूम आने की वजह से वहां का वास्तु प्रॉब्लम्स हो जाता है, क्योंकि वहां पे वाटर आ गया, वाटर एलिमेंट मतलब पानी आ गया और वहां पे अग्नि तत्व होना चाहिए था, तो उस वजह से वहां का दोष बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे शुक्र खराब होता है और मनी फ्लो डायरेक्शन बंद हो जाती है, मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटीज तो आ गई आपकी उत्तर से, लेकिन आपका जो मनी फ्लो डायरेक्शन होता है वो शुक्र वहां से होता है, वही जगह से होता है, वहां पे अग्नि तत्व होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको मेरे अलग वीडियोस है वो फॉलो कीजिए, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे एक छोटी सा पॉइंट मैं बताती हूँ, अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वहाँ पे आप एक सॉल्ट, जो खड़ा नमक रहता है, समुद्री नमक रहता है, वो ग्लास में, एक कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में रख दीजिए अंदर की तरफ, और वहाँ पे एक रेड कलर का बल्ब जरूर रखना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ पे टॉयलेट आ गया है वहां पे, तो वास्तु दोष कम हो जाएगा। वैसे आपको हनुमान चालीसा पठन करना बहुत जरूरी है, जितना भगवान हनुमान जी का आप प्रार्थना करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको वास्तु कंसल्टिंग करना है, घर पे विजिट करने के लिए बुलाना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और वास्तु विजिट करवाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। उस वजह से आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है आपको पता चलेंगे और उसका निवारण कैसे करना चाहिए वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना।